नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो तेज़ी के साथ रिलायंस इंफ्रा ऊपर की साइड चला गया था, उसी तेज़ी से डबल या तेज़ी के साथ स्टॉक नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिले। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर नज़र डालेंगे कि कोई खास अपडेट है क्या। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेज कोड डायरेक्टेड NHAI टू डिपॉजिट अवार्डेड अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अप टू 12 बिलियन रुपीज़ इन ऑरिजिनल इनवॉल्विंग यूनिट। बाकी कोई खास अपडेट नहीं है रिगार्डिंग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। पर यहाँ पे देख सकते कि पिछले कई दिनों से स्टॉक, 4-5 दिनों से स्टॉक में गिरावट नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे बेरिश नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक तेज़ी के साथ गया था 200 लेवल को ब्रेक करके। यहाँ पे ऊपर के साइड वीक देखने को मिली, तभी यहाँ पे देखा था कि सेलिंग प्रेशर नज़र आ जाएगा। और उसी तरह स्टॉक नीचे चला गया तो 150 160 के नीचे जाता है, तो 154 लेवल जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिव एक्ट हो सकती है यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।